नमस्कार दोस्तों, शहतूत खाने में बेहद ही लाजवाब एक मीठा नाजुक नर्म फल होता है। इसमें अनेक ऐसे लाभदायक गुण होते हैं जो कई बीमारियों में वरदान साबित हो सकते हैं। इस फल का सेवन करने से शरीर को ढेरों फायदे भी पहुंचते हैं। शहतूत का प्रयोग कई प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में किया जाता है और इस फल के अंदर पोटेशियम, विटामिन ए और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपने अब तक इसे नहीं चखा तो शहतूत खाने के फायदे जानने के बाद इसे खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम शहतूत के फायदे क्या है और इसे खाने से जुड़े नुकसान क्या हो सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। एनीमिया में लाभदायक। शहतूत का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होने का रोग सही हो जाता है। इस फल में एंटी हीमोलिटिक होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है वो लोग इस फल को खाना शुरू कर दे। 2 हफ्ते तक इस फल का सेवन करने से इस रोग में बहुत राहत मिलेगा और शरीर में उनकी कमी पूरी हो जाएगी। ब्लड शुगर को नियंत्रित करें। शहतूत में हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है जो शरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाता है और खून में शुगर की अधिक मात्रा को कम करने में सहायक है। इस कारण डायबिटीज के रोगियों के लिए यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हड्डियां मजबूत बनाएं। शहतूत के फायदे हड्डियों के साथ भी जुड़े हुए हैं और इसे खाने से हड्डियां मजबूत बनी रहती है। सफेद रंग वाले शहतूत में कैल्शियम उच्च मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से इस फल को खाने से हड्डियों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है और हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती है। पाचन मजबूत करें। शहतूत में डाइट्री फाइबर मौजूद होते हैं। पाचन की सेहत के लिए डाइट्री फाइबर बहुत लाभदायक माना जाता है। यह पेट में खाने के चलने की गति को बढ़ा देता है। इसके साथ ही डाइट्री फाइबर कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है और हृदय को भी स्वस्थ रखता है। एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण कब्ज सूजन दर्द में भी आराम देता है। वजन घटाने में मददगार। अधिक वजन से परेशान लोग शहतूत खाया करें। इसे खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है, इसलिए वजन कम करने हेतु इस फल को अपनी डाइट में जोड़ लें और रोज इसका सेवन करें। आंखों की रोशनी बढ़ाएं। आंखों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी शहतूत को इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण यह है कि शहतूत में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ उन पर आने वाले तनाव को दूर करता है। रेटिना से संबंधित दोषों को भी दूर करने में यह मददगार साबित होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। शहतूत को खाने से जुकाम और खांसी लगने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। दरअसल इस फल को खाने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से शरीर की रक्षा जुकाम, खांसी और बुखार से होती है। इसलिए जो लोग जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं वो शहतूत का सेवन जरूर किया करें। शहतूत में एंटी एज यानी उम्र को रोकने वाला गुण भी पाया जाता है। साथ ही यह त्वचा को भी जवानी की तरह जवां बना देता है और झुर्रियों को चेहरे से गायब कर देता है। कब और कैसे खाए। सुबह या शाम को नाश्ते के साथ आप इसके जूस का सेवन कर सकते हैं। शाम को इसकी फ्रूट चाट या स्मूदी बनाकर सेवन कर सकते हैं। शहतूत फल की मात्रा की बात करें तो इसे करीब 67 मिलीग्राम तक प्रतिदिन लिया जा सकता है। शहतूत के कुछ नुकसान। पोटेशियम के कारण इसकी अधिक मात्रा किडनी से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकती है। ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए शहतूत लाभदायक होते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज की दवाई के साथ इसका सेवन किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में ब्लड शुगर लेवल की रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कच्चे सफेद शहतूत खाने से पेट दर्द और मति भ्रम की शिकायत भी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसके सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। वैसे तो शहतूत से एलर्जी के असर बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।